नमस्कार दोस्तों, आजकल ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां फैजल पटेल नाम का एक युवक, हालांकि हम नाम की पुष्टि नहीं करते, किसी होटल में 2,000 रुपए के नोट उड़ा रहा है। वो नोट उड़ा ही नहीं रहा, बल्कि वो नोटों को टॉयलेट में भी बहा रहा है। अब ये वीडियो कहां बना है, कब बना है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है, और वीडियो में दिखाए जा रहे नोट असली हैं भी या नहीं, हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करते। पर हम यहां पर एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे कि जो नोट आपके हाथ में है, वो नोट असल में आपका नहीं है, वो RBI की एक प्रॉपर्टी है। उस नोट से आप जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं वो आपकी है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक 500 रुपए का नोट दिखाता हूं। इस 500 रुपए के नोट पर ये लिखा हुआ है गवर्नर के साइन के साथ कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इस पे गवर्नर के साइन है। इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये नोट आपका है, ये नोट यानी कि जिस कागज से ये नोट बना है वो आपका है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। यानी कि ये नोट एक सरकारी प्रॉपर्टी है, और अगर आप भारत सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं या डिफेम करते हैं तो याद रखिए इसे भारतीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आप पे इंडियन पीनल कोड की धारा 124A के तहत भारतीय मुद्रा को नुकसान या उसका अपमान करने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी पैसा आपके हाथ में है, उस पैसे से जो आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं वो आपकी है। ये नोट और वो सिक्के जो आप कभी कभी गला सकते हैं या पिघला सकते हैं वो आपके नहीं है, और ना ही ये नोट आपके हैं। तो ना ही आप इन पर लिख सकते हैं, ना ही इन्हें फाड़ सकते हैं। इससे आप जो खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं, और उसी के लिए इस पे गवर्नर ने साइन किए हैं कि इस नोट की जो वैल्यू है वो आपकी है, ये नोट आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि ये वीडियो कितना सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, और ऐसी गलती करने के बाद कभी उसका वीडियो बनाकर कहीं पोस्ट तो नहीं करने वाले। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, न्यूज़ व्यूज़ विद वरुण, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।